हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है, और मैथमेटिक्स में हम आज जो है बात करेंगे, एक सिंपल सा जो है क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जो मुर्गी वाला एक प्रकार से इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं। और इसमें जो है आप इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, और इसको आप कैसे करेंगे इसकी जो है हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा दावा के साथ जो है आपके साथ कह रहा हूँ। तो इसका जो है वो क्वेश्चन चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम बात जानते हैं क्या है क्वेश्चन। एक मिनट, इसमें कह रहा है एक फर्म में जो है गाय और मुर्गियों के सिर गिने जाएं तो 180 हैं, और उसके बाद में जो है उनकी टांगे गिनी जाए तो 420 दिख रहे हैं। गाय भी दी गई है और फर्म में, और मुर्गियां भी दी गई हैं। अगर जो उनकी संख्या अगर जो हम गिने जाएं तो 180 है, उनके सिर हम जितने होंगे उतनी ही उनकी संख्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए, और टांगे 420 हैं तो गायों की संख्या बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सिर दिए गए हैं उनको दो गुना कर लीजिए, सिर का दो गुना जो होगा, 180 का दो गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। एक मिनट, जो यहाँ पे टांगे दी गई हैं उनको पहले लिख लीजिए 420, सिर जो दिए गए हैं उसको दो गुना करिए, सिर 180 थे इसका दो गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। घटा देंगे इसमें से, घटाने के बाद में जीरो जीरो मिल जाएगा, और यहाँ से 12 में से 6 आएगा तो 6 बच जाएगा, इधर जीरो बच जाएगा, बोलो कितना आया, 60। अब जो ये घटाने पे 60 आएगा तो 60 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये जो संख्या बताएगा 30, ये चार पैर वाले जानवर बताएगा, कौन सी संख्या बताएगा, ये चार पैर वाले जानवर होंगे, चार पैर वाले जानवर, ये चार पैर वाले जानवर होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, चार पैर वाले जानवर, ओके, कि अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई चार पैर वाले ये जानवर होंगे, और आप तुरंत ही देख के बता देंगे कि 30 जो है चार पैर वाले जानवर होंगे, और टोटल संख्या 180 दी थी, अगर जो दो पैर वाले जानवर पूछे तो माइनस कर देना 130, जो 180 में से 30 माइनस करेंगे 150, तो दो पैर वाले हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था चार पैर वालों की, तो चार पैर वालों के लिए जो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 30 नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उम्मीद हमारी यही है आपके, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो, किसी भी टाइप से पूछा जाए, आप यही रूल फॉलो कीजिए, सर को दोगुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पैर दिए होंगे तो इससे तुरंत माइनस कर दीजिए, ठीक है, पैर दिए हो तो माइनस करके फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे सिर दिए हो तो 2 से गुणा करिए, गुणा करने के बाद फिर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पैर तो नहीं दिए होंगे ना, यदि दो पैर वालों के पैर दिए होते बात यहाँ पे तब हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो पैर दिए हैं तो उसी से माइनस कर दीजिए सिरों को, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसे 2 से गुणा करके तब करेंगे, 2 से गुणा करके, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर नेक्स्ट डे आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों में इसको शेयर करिए।